हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सील बैंड इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में सील बैंड इम्पॉर्टेंस क्या है, सील बैंड क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग दोस्तों जानेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। फिर जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज सील बैंड, सील बैंड क्या होता है। सील बैंड एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बिल्डिंग का, जो कि आपका विंडो फ्रेम के जस्ट नीचे प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों आपका जैसे कि आप बिल्डिंग आजकल के जो भी बनाते हैं दोस्तों, फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें आपका जो इंटरनल वॉल होते हैं उसे आप 100 mm या फिर 4 इंच का रखते हैं। दोस्तों जो विंडो फ्रेम आपका होता है वो पॉइंट लोड की तरह वहाँ पे एक्ट करता है, कंटिन्यूसली वो वहाँ पे पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये दोस्तों आपका डोर ओपनिंग्स पे डिसकंटिन्यू हो जाता है। दोस्तों आइए हम इस एक इमेज के जरिए आपको समझाते हैं और बताते हैं। जैसा कि आपके सामने एक इमेज है दोस्तों, आपका दो पार्ट में हमने उसको दिखाया है, एक आपका विद सील बैंड है, एक विदाउट सील बैंड है। तो दोस्तों आइए हम समझाते हैं आपको इस इमेज के जरिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आपकी एक जो बिल्डिंग है इसमें आपका सील बैंड और लिंटेल नहीं प्रोवाइड कराया गया है, और ये दोस्तों जो देख रहे हैं इसमें आपका सील बैंड प्रोवाइड कराया गया है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ना ही सील बैंड प्रोवाइड कराया गया है, ना ही लिंटेल प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये आपका जो विंडो फ्रेम है, उस विंडो फ्रेम का के द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूसली वहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट करने की वजह से वहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे आपके दोस्तों क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। और दोस्तों जस्ट नीचे आप देख रहे हैं दूसरी जो इमेज है आपकी यहाँ पे बिल्डिंग की, इसमें देख रहे हैं ये जो नीचे वाला जो आपका ये है इसे ही हम सील बैंड कहते हैं, और ये आपका विंडो फ्रेम हो गया और उसके ऊपर ये आपका लिंटेल बीम हो गया या फिर लिंटेल हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी क्रैक्स डेवलप नहीं हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। ये क्यों है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे ना ही सील बैंड प्रोवाइड कराया गया है, ना ही लिंटेल प्रोवाइड कराया गया है, इसके वजह से यहाँ पे दोस्तों आपका क्रैक्स डेवलप हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी इमेज में यहाँ पे दोस्तों नीचे, तो यहाँ पे कोई भी क्रैक्स नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सील बैंड प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों इसलिए हमें क्रैक्स से बचने के लिए, अपने बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए सील बैंड प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आप जब भी अपना घर बनवाएं या फिर किसी साइट पे हों, तो दोस्तों वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमें सील बैंड ज़रूर प्रोवाइड कराना होता है और हम ज़रूर प्रोवाइड कराएं। दोस्तों ये आपके पूरी बिल्डिंग में आपका रन करता है और आपका ये डोर ओपनिंग्स पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि डोर ओपनिंग्स पे तो आप वहाँ पे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ओपन होता है, डोर लगता है, तो वहाँ पे हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होता है उसे कराने की। तो दोस्तों इसमें जैसा कि सेम बात बताया गया है, अ सील बैंड इज हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द ओपनिंग टू सपोर्ट द लोड ऑफ द विंडो फ्रेम। जैसा कि हमने बताया है विंडो फ्रेम के लोड के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और इट इज़ डिसकंटिन्यूड एट द डोर ओपनिंग पे ही आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है। दोस्तों आइए आगे जानते हैं इसमें। जैसा कि दोस्तों आपके मन में होगा कि आपका हाइट और लेवल क्या रखें हम सील बैंड का बिल्डिंग में, आप हाइट और, दोस्तों जैसा कि आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 900 mm या फिर आपका 3 फीट देते हैं, और आपका जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसमें 1100 mm या फिर आप 3.5 फीट रखते हैं आपका फ्लोर हाइट से, या फिर प्लिंथ लेवल से आप रखते हैं 3 फीट या फिर 900 mm इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और आपका जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है वहाँ पर फ्लोर हाइट से लेके आपका जो फ्लोर लेवल होता है, फ्लोर लेवल से लेके आप वहाँ पर विंडो हाइट को 3.5 फीट तक रखते हैं। कभी कभी दोस्तों लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है विंडो की वो उनके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपका जो स्टैंडर्ड है जो हम बता रहे हैं वो एक आपका स्टैंडर्ड हाइट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब भी आप विंडो बनाएं उसके नीचे आप सील बैंड जरूर प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको वहाँ पर क्रैक्स डेवलप ना हो और उससे आप बच सकें। तो दोस्तों आइए इस इमेज के जरिए हम आपको एक समझाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने जो ये है आपका ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपका ये जो ग्राउंड लेवल है, या फिर ये आप कह सकते हैं फुटिंग के हो गए, और ये आपका यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड बीम के ऊपर आप ये जो बीम है वो आपका प्लिंथ लेवल हो गया, प्लिंथ बीम, और ये प्लिंथ लेवल हो गया। इस प्लिंथ लेवल से लेके आपका जो ये हाइट है विंडो फ्रेम के जस्ट नीचे आपका ये है सील बैंड, और दोस्तों उसकी जो हाइट है यहाँ पे हम उन्हें वहाँ पे 3 फीट दी हुई है, या फिर आप वहाँ पे 900 mm रख सकते हैं। दोस्तों ये आपके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है जब भी हम विंडो फ्रेम बनवाएं या फिर घर बनवाएं वहाँ पे,
तो घर में हम विंडो फ्रेम देने से पहले वहाँ पे सील बैंड जरूर प्रोवाइड कराएं, जिससे कि हमारे बिल्डिंग्स में क्रैक्स ना डेवलप हों। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर आप जरूर से मैसेज करें, हम जो भी आपका क्वेरी होगा जरूर रिजॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।